नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द सोलर सिटी में तब्दील हो गए अयोध्या। प्रयागराज से लखनऊ जा रही इस ट्रेन से बड़ा हादसा होने से डरा। मानकों को अनदेखा कर यूपी में बेलगाम हो रहा यूरिया का इस्तेमाल। एकाना स्टेडियम का जायजा लेने ICC और BCCI की टीम पहुंची लखनऊ। शोध में बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन शोधार्थियों को योगी सरकार देगी सरकारी नौकरी। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल मंत्रालय में 111 पदों पर निकली वैकेंसी। इन पदों में सिविल इंजीनियर, पर्यावरण सामाजिक निगरानी विशेषज्ञ, जूनियर डिजाइन इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट www.rits.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियर और या ड्राफ्ट्समैन इन आर्किटेक्चर की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू होगा। साथ ही सैलरी 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भ्रमण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे जुमई खां आजाद के बारे में। जुमई खां आजाद अवधी भाषा के कवि और शायर थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1930 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। जुमई अवधी भाषा के रस खान या अवधी सम्राट के नाम से भी लोगों के बीच विख्यात थे। ये कई पुरस्कारों से नवाजे गए, जिनमें से एक अवधी अकेडमी व लोकबंधु राज नारायण स्मृति सम्मान भी शामिल है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 21 किताबें लिखी, जिनमें भगवान राम और शिव स्तुति वाली केवट पुस्तकें भी शामिल है। यह पुस्तक भी अवधी भाषा में ही लिखी गई थी। 29 दिसंबर 2013 में ये दुनिया को अलविदा कर गए। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे कैसे सेल के नाम पर हो सकते हैं धोखाधड़ी के शिकार। कई बार सेल के नाम पर या ऑफर के नाम पर हमारे पास कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिंक आते रहते हैं, जहां आपको झांसा दिया जाता है कितने लोगों को शेयर करने पर या ग्रुप में भेजने पर आपको कई तरह के इनाम मिलेंगे। या फिर कई ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के लिंक वायरल होते रहते हैं, जहां तगड़े डिस्काउंट का झांसा दिया जाता है। यूजर्स ऐसे फ्रॉड लिंक के झांसे में भी आ जाते हैं और उस लिंक को क्लिक करके अपनी कई पर्सनल जानकारी उस लिंक के साथ साझा कर देते हैं। पर जान लें कि ऐसा करना आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। कई बार तो ऐसा करने पर या तो आपका डेटा चोरी होने का डर रहता है या फिर वित्तीय नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए कभी भी किसी लालच में आकर ऐसे अनजान लिंक को क्लिक करने से बचें। प्रयागराज से लखनऊ जा रही इस ट्रेन से बड़ा हादसा होने से टला। प्रयागराज से लखनऊ जा रही गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा एक बड़ा रेलवे हादसा होने से बच गया है। दरअसल ट्रेन बड़ी ही तेज रफ्तार से आने वाली थी। इसी दौरान लाल गोपालगंज के पास के एक किसान ने रेलवे पटरी में क्रैक देखा। उसे एहसास हुआ कि यदि ट्रेन यहाँ से गुजरी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस दौरान उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पास में मौजूद एक कपड़े को डंडे से बांध कर लहराने लगा। ऐसे में लोको पायलट की नज़र उस लहराते कपड़े पर पड़ी और ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। इसकी सूचना अन्य रेल कर्मियों को भी मिली और सभी उस जगह पहुंचे। वहां मौजूद इंजीनियर विभाग के लोगों ने पटरी पर कासन लगाकर ट्रेन को धीमी गति से आगे बढ़ाया। दरअसल पिलर नंबर 26-6 के पास लाल गोपालगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के नज़दीक की रेलवे पटरी टूटी हुई थी, जिस किसान ने अपने सूझबूझ के साथ इस हादसे को रोका। उसकी खूब सराहना की जा रही है। कानपुर की गीतिका दिव्यांग बच्चों को कमाने के लिए ऐसे दे रही प्लेटफॉर्म। दिव्यांग बच्चों में कई तरह के अनोखे हुनर देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। अब उनके द्वारा की जा रही इसी कोशिश को कानपुर की गीतिका अपने दिव्यांग दोस्त विनित के साथ मिलकर आगे बढ़ा रही हैं। दरअसल दिव्यांग आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर ना रहे, इसके लिए गीतिका ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। इसका नाम एटिपिकल एडवांटेज है। यह प्लेटफॉर्म अब तक 1,000 से भी अधिक दिव्यांगों के भविष्य को बनाने की कोशिश कर चुका है। इस प्लेटफॉर्म के सहारे तो मल्टीनेशनल कंपनियों में भी कई दिव्यांग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दिव्यांग अपने हुनर, शिक्षा व प्रतिभा की पहचान कर पा रहे हैं। इन्हें कई कंपनियां जॉब या इवेंट का मौका देती है और किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए प्रशिक्षित भी करती है। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर अब तक देश में 15,000 दिव्यांग साथी 150 ब्रांडेड कंपनियां जुड़ चुकी हैं। मानकों को अनदेखा कर यूपी में बेलगाम हो रहा यूरिया का इस्तेमाल। अपने खेतों में अच्छे फसलों के लिए यूपी के किसान लगातार यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ के सीजन में यूरिया खर्च करने के मामले में लखीमपुर खीरी सबसे पहले नंबर पर आया है, तो वहीं अलीगढ़ दूसरे नंबर पर हुआ है। बता दें कि इस बात का पता कृषि विभाग की तरफ से लगा है। दरअसल कृषि विभाग ने एक आंकड़े जारी किए थे। यह आंकड़े 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच तक के थे। इन आंकड़ों में टॉप 10 में पश्चिमी यूपी साथ ही पूर्वांचल के जिले शामिल है। यूरिया की खपत हर साल बढ़ती ही जा रही है और अच्छे पैदावार के लालच में मानकों को सीधे नज़रअंदाज किया जा रहा। बता दें कि राज्य के 25 जिलों में 96,000 मीट्रिक
टन यूरिया वर्ष 2022 में खरीफ सीजन की तुलना में इस साल खपाया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के जरिए बचाए जाएंगे पारंपरिक भाषाओं के अस्तित्व। हमारे देश में भाषाओं में कई तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भाषाएं इतनी अधिक हैं कि धीरे धीरे समय के साथ उनके अस्तित्व भी खत्म होते जा रहे हैं। अब इन पारंपरिक भाषाओं के अस्तित्व को बचाने के लिए एक बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत हिंदी भाषा के जरिए इन भाषाओं को दुनिया तक पहुंचाने की पहल की जाएगी। दरअसल पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं के केंद्रीय हिंदी संस्थान अध्येता कोष निर्माण योजना के तहत हिंदी अंग्रेजी से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोग आसानी से हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से इन भाषाओं और जनजाति संस्कृति को समझ सके। बता दें कि फिलहाल संताली भाषा का संस्थान द्वारा अध्ययत कोष तैयार कर लिया गया है। यह भाषा असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल में संताल जनजाति द्वारा बोले जाते हैं। यूपी पर्यटन में आज हम बात करेंगे चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजधारी और देवदारी झरने के बारे में। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है, जहां आपको राजधारी और देवदारी झरना देखने को मिलेगा। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अब इस अभयारण्य में इनकी संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई है। हालांकि यहां अभी भी कई तरह के पक्षियों और जानवर हैं। यहां इनके अलावे आकर्षण के केंद्र में झरने भी मौजूद हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां की प्राकृतिक छटा के साथ सुंदर और शांत वातावरण एक लुभावनी दृष्टि पेश करता है। कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल से मिलान के बाद ही मिल सकेगा वेतन। मानव संपदा को और भी प्रभावशाली बनाने का विचार इन दिनों यूपी सरकार कर रही है। इसके जरिए नियुक्त कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड तबादला, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन और सेवा पुस्तिका प्रबंधन को भी जोड़ा जाना है। बता दें कि पोर्टल के माध्यम से ये सभी काम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिए हैं। वहीं आपस में आहरण वितरण अधिकारी और मानव संपदा पोर्टल को जोड़ा जाना है। मानव संपदा पोर्टल से मिलान के बाद ही भविष्य में कर्मियों को वेतन स्वीकृत किया जाएगा, नहीं तो इसे रोक दिया जाएगा। बता दें कि जो मानव संपदा पोर्टल के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यालयों में तैनात होंगे, DDO पोर्टल से भी केवल उन्हीं का वेतन बनेगा। इकाना स्टेडियम का जायजा लेने ICC और BCCI की टीम पहुंची लखनऊ। लखनऊ स्थित इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। IPL मैच खत्म होते हुए वैसे ही इसके पिचों का निर्माण नए सिरे से होने लगा। अब चल रही तैयारियों का जायजा लेने साथ ही जरूरी सुझाव देने बीते ही दिनों ICC, BCCI ब्रॉडकास्टिंग की टीमें लखनऊ आई थी। मालूम हो कि इस बार विश्व कप के दौरान आयोजित होने वाले 5 मैचों की जिम्मेदारी लखनऊ के इकाना स्टेडियम को मिली है। इसके साथ ही इंग्लैंड और भारत के बीच 29 अक्टूबर को मैच खेले जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे फिल्म सिटी विकसित करने को लेकर इन सुझावों पर बनी सहमति। फिल्म इंडस्ट्री के 3 सुझावों पर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी को विकसित करने के लिए सहमति बन चुकी है। दरअसल लाइसेंस का समय मोरेटोरियस समय साथ ही लाभांश की हिस्सेदारी में शासन द्वारा बदलाव किया गया है। इस पर बीड इवैल्यूएशन कमेटी द्वारा मुहर लगाई जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार इसी महीने ग्लोबल टेंडर भी निकलेंगे। यूपी के भाजपा सांसदों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने दिए ये चुनावी मंत्र। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी सांसदों को फ्लोटिंग वोटर्स को जोड़ने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति से जो वोट बैंक भाजपा से जुड़ा है वह अस्थायी है। लोकसभा चुनाव में उस वोट बैंक को जोड़ने पर फोकस करें जो अभी तक भाजपा से अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी ने यह बातें यूपी में अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा सांसदों से संवाद के दौरान कही है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय चमक होने की बहुत संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। आगरा के अभय ने विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स आयोजन में स्वर्ण पदक किए अपने नाम। कनाडा में आगरा के बॉक्सर अभय प्रताप ने देश का नाम रोशन किया है। दरअसल इन दिनों कनाडा में विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स आयोजन चल रहा है, जहां अभय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। बता दें कि आगरा के ये एक ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बता दें कि फिलहाल अभय SSB के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने यह उपलब्धि भार वर्ग में हासिल की है, जहां कनाडा के बॉक्सर को उन्होंने हराया है। काशी के लस्सी के दीवाने केवल देसी नहीं विदेशों में भी है मौजूद। उत्तर प्रदेश के काशी में कुल्हड़ में दही, मलाई, रबड़ी के खास कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किए गए इस लस्सी के दीवाने केवल राज्य और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आदि शामिल हैं। काशी के इस खास लस्सी के स्वाद ने देश के कई दिग्गज नेता जैसे
खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, स्मृति ईरानी और अखिलेश यादव को भी अपना दीवाना बना लिया है। इस लस्सी की दुकान का नाम पहलवान लस्सी है, जहां बॉलीवुड की कई हस्तियां भी आती हैं। बता दें कि यह दुकान अस्सी घाट की तरफ बढ़ने पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लोग इसे बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के रूप में भी पीते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यह टोल सिस्टम रही सफल, अब पूरे देश में होगी लागू। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अक्सर अपने क्षेत्र में कई तरह के सुधार और विकास का कार्य करते रहते हैं। अब इसी कड़ी में मंत्रालय ने लोगों के सफर को और भी बेहतरीन बनाने के लिए एक ऐसा सिस्टम लेकर आई है, जिससे आपको टोल बूथ पर टोल के लिए अपनी गाड़ी स्लो नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिग्रेशन सिस्टम यानी ANPRS लेकर आई है। यह सिस्टम गाड़ी में लगे नंबर प्लेट को एंट्री के वक्त ही पढ़ लेगी, फिर आगे गाड़ी जिस पॉइंट से निकलेगी वहाँ भी ANPRS नंबर प्लेट को पढ़कर टोल टैक्स का आकलन करेगा। फिर आपका जो टैक्स होगा उस फास्टैग के जरिए काट लिया जाएगा। बता दें कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सिस्टम को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बैरियर रहित टोल सिस्टम को शुरू किया गया था। इस ट्रायल के दौरान यह पूरी तरह से सफल रहा, इसलिए अब इसे पूरे देश के टोल प्लाजा पर लागू करने की तैयारी चल रही है। यूपी में श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों की रूपरेखा हुई तैयार। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भव्य रूप से मनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। इसे लेकर इस ट्रस्ट द्वारा पूरी रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। बता दें कि इन उत्सवों का मेला इसी वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर से शुरू होकर अगले वर्ष के जनवरी महीने तक रहेगा। इसी दौरान कई आधिकारिक साथ ही आध्यात्मिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। यह रामनगरी उत्सव और अतिथियों के सत्कार में फरवरी तक लीन में रहेगा। अमृत योजना के तहत प्रतापगढ़ और चिलविला जंक्शन का होगा पुनर्विकास। अमृत भारत योजना की शुरुआत की गई है ताकि बड़े रेलवे स्टेशनों के साथ छोटे स्टेशनों का विकास भी किया जा सके, साथ ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ चिलविला जंक्शन का चयन किया गया है, जहाँ इन जंक्शनों के पुनर्विकास की बात सामने आई। मेरी जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन ऑनलाइन करने वाले हैं। कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी के सीतापुर जिले में स्थित इस जगह का बदलेगा नाम। इन दिनों देश में कई स्थानों का पुनर्नामकरण का ट्रेंड देखा जा रहा है। अब इसी कड़ी में उड़ीसा में एक रेलवे और राजस्थान के 3 गांवों समेत 4 गांव के नाम बदले जाएंगे। इसकी मंजूरी भी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा चुकी है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित अमानुल्लापुर भी शामिल है। अमानुल्लापुर का नाम बदलकर जमुना नगर रखा जाएगा, जिसके लिए NOC भी दे दी गई है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति लेने के बाद किसी स्टेशन या स्थान का नाम बदलने की मंजूरी मिलती है। भव्य राम मंदिर के निर्माण से इन पौराणिक मठ व मंदिरों के संचालन हो गए ठप। अयोध्या में धीरे धीरे श्री राम मंदिर एक भव्य मंदिर का आकार लेते जा रही है, लेकिन अब इसी कड़ी में एक खबर सामने आई कि रामलला का पारंपरिक दर्शन मार्ग बंद कर दिया गया है। कई प्राचीन मठ मंदिर अब संकट मंडराना शुरू हो गए हैं। जब से इस दर्शन मार्ग को बंद कर दिया गया, मालूम हो कि कभी यह रास्ता श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से काफी अहम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ एक भी श्रद्धालु नजर नहीं आते। इस दर्शन मार्ग पर आपको कई प्राचीन और पौराणिक मठ मंदिर श्री राम मंदिर राम से जुड़े देखने को मिल जाएंगे। इसमें लवकुश मंदिर भी शामिल है। एक ऐसा भी समय था जब यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहाँ कोई नजर नहीं आता है। शोध में बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन शोधार्थियों को योगी सरकार देगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधार्थियों से सीएम योगी ने बीते ही दिनों संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्य कर रहे शोधार्थियों स्वयं को योजक के रूप में मानकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। देखें कि आपके विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे बेहतरीन कार्य किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शोधार्थी अपने 3 साल का टेन्योर मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेगा और बेहतरीन शोध प्रबंधन लिखकर प्रस्तुत करेगा। सरकार की तरफ से उसे उम्र में छूट के साथ सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्नत नस्ल के स्वदेशी गायों के खरीदारी पर यूपी सरकार देगी इतने अनुदान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। दरअसल इस योजना के तहत अन्य प्रदेशों से उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीदारी करने पर किसानों को अधिकतम 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इस उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों में गिर, साहिवाल, थार, पाड़कर और हरियाणा प्रजाति शामिल है। बता दें कि एक दुग्ध उत्पादक अधिकतम 2 गायों की एक पशुपालन इकाई के लिए पात्र होगा। वहीं प्रदेश के 621 विकास खंडों में एक उच्च तकनीकी की नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनेगी। जल्द सोलर सिटी में तब्दील हो गए अयोध्या। सोलर सिटी के नाम से अब जल्द ही अयोध्या जाना जाएगा।
क्योंकि अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि योजना सीएम योगी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट को मंजूरी मिली। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूरे ब्लॉक के ग्राम रामपुर, हलवारा और सराय रासी में लगेगा, जहां दोनों ही गांव में लगभग 165.10 हेक्टेयर के जलमग्न भूमि में इस प्लांट को लगाया जाना है। इसमें से रामपुर हलवारा की जमीन 90.45 एकड़ है, तो वहीं 74.65 एकड़ भूमि सराय रासी की है। बता दें कि इस आदेश की पुष्टि शासनादेश जारी होने के दौरान। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। साल 1763 में पोंटियाक का युद्ध हुआ था, जहां जंगली भागों की लड़ाई हेनरी गुलदस्ता की अगुवाई वाली ब्रिटिश सेना ने बुश चलाने में मुख्य पोंटिक के भारतीयों को हराया। साल 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज के ही दिन साल 1969 में भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ था। इनके अलावा साल 1974 में काजोल देवगन, 1987 में जेनेलिया डिसूजा का जन्म हुआ था। बता दें कि ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अब तक बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे कि यदि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं तो कहां शिकायत दर्ज करवाएं। आज के इस डिजिटल युग में साइबर अपराधियों से बचना काफी मुश्किल हो जाता है। आए दिन ये साइबर अपराधी कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं ताकि आपको अपने जाल में फंसा सके। कई लोग तो इनके गिरफ्त में आने के बाद भी किसी तरह की कंप्लेन फाइल नहीं करते और नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि शायद उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है कि यदि वो इन जालसाजों के शिकार में आ गए हैं तो कहां पर शिकायत दर्ज करवाएं या कौन से पुलिस के पास जाएं। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के मामलों को देखने के लिए एक अलग टीम होती है। यदि आप भी इसके शिकार हो गए हैं तो आप अपने एरिया या अन्य किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर क्राइम संबंधी मामलों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल जरूर करें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर 15520 जारी किया गया है। साथ ही याद रखें कि इन मामलों में आप जितनी ही जल्दी कंप्लेन करेंगे उतने ही जल्दी आपके पैसे रिकवर होने के चांसेस हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।